कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। महाराष्ट्र में कोविड 19 के बढ़ते प्रादुर्भाव को देखते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिशा निर्देश गाइडलाइन दिया है कि इसको कम में कम रोका जाए। कोविड 19 को माननीय कलेक्टर के आदेश पर आयुक्त साहब सभी आयुक्तों को महानगर पालिका के नगर पालिका के सीईओ को सभी को दिशा निर्देश आयुक्त ने दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शहर हित में कोविड का प्रादुर्भाव कैसे रोका जाए। इसके लिए आज माननीय आयुक्त साहब ने दयानिधि साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, आज हम उसका निषेध कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पिछले 8 महीनों में कोविड के जब पूरी तरह महाराष्ट्र में कोविड से लोग जूझ रहे थे उस समय हमने अपने घरों से निकल के अपने ऊपर रिस्क लेके हमने पत्रकारिता की हुई थी और शहरवासियों तक यह संदेश देने के लिए पहुंचा रहे थे कि कोविड बहुत बड़ी महामारी है, इससे हर चीज़ से बचाव रखें, और उनको समय समय पे हम अलर्ट कर रहे थे। लेकिन माननीय आयुक्त साहब पिछले 8 महीनों में जब से आए हैं उनको लगता है कि पत्रकारों से कोविड होगा। इसके लिए आयुक्त साहब 8 महीनों में सिर्फ 2 बार पत्रकारों से मुलाकात की है, उनके पास समय ही नहीं। जब पत्रकार बोलते हैं भाई मिलना है, उनके पास समय नहीं रहता है। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो आज पत्रकारों ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का निषेध किया है। आज हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साहब के पुतले के नीचे यहाँ पर निषेध कर रहे हैं, और जब तक आयुक्त साहब खुद आकर पत्रकारों से बात नहीं करेंगे तब तक पत्रकारों का निषेध प्रेस कॉन्फ्रेंस महापालिका प्रशासन की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम निषेध करेंगे। आज तमाम पत्रकार, चाहे मराठी पत्रकार संघ हो, हिंदी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी पत्रकार आज महानगर पालिका के एक आगे जो गार्डन है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के स्टेचू के नीचे हम लोग पत्रकार आज बैठे हैं। हमारा विषय एक ही है कि पत्रकारों को चौथे स्तंभ माना जाता है, लेकिन ये उल्लासनगर महानगर पालिका में केवल नाम मात्र ही हम चौथे स्तंभ पे आते हैं, क्योंकि आज से पहले कितने भी आयुक्त आए हुए थे हर बार हर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन पत्रकारों को समय दिया करते थे, क्योंकि पत्रकारों की कोई भी जब न्यूज़ बनती है उसमें महानगर पालिका का हमें कोड लेना पड़ता है, वो आयुक्त का हो या DMC का हो। मगर आज आयुक्त को 6 महीने हो गए आए हुए, हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिलता है, और हम लोग अपना कार्ड भेजते हैं लेकिन आयुक्त साहब को टाइम नहीं मिलता है। तो आज पत्रकार परिषद 12 बजे रखी गई थी, और कोविड के विषय में पत्रकारों ने पहले भी कोविड के विषय में जब से मार्च महीने से कोविड आई हुई थी पत्रकारों ने दिन रात एक करके अपने ओर से न्यूज लगाई थी। मेरे ख्याल से 70 से 80% हमारे पत्रकार भाइयों को कोविड भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी सभी पत्रकार अपने ओर से वह काम करते रहे, शहर के भलाई के लिए शहर को जानकारी वो टाइम टू टाइम दे रहे थे। लेकिन आज ऐसी बात हो गई कि हम लोगों को हमें आयुक्त से मिलने के लिए हमें आयुक्त के पास हमारे से मिलने का समय नहीं है। तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमें जानकारी मिली, सभी पत्रकारों ने सोचा कि आज इस विषय पर आयुक्त से बात करें। हमने एक वहां पर निषेध किया और हमने PRO के थ्रू आयुक्त को मैसेज भेजा कि आप हमारे से केवल मिलिए और हमें एक आश्वासन दीजिए कि आप हर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन एक घंटा पत्रकारों को देंगे ताकि हमारे जो सवालात है शहर के हित के लिए हम उनके बारे में आपसे पूछें। लेकिन आयुक्त ने वादा किया, मैसेज भेजा कि मैं इस बात के लिए रेडी हूँ, लेकिन वह आए नहीं यहाँ पर हमारे से मिलने के लिए। इसीलिए पत्रकारों ने सोचा कि हम इसका निषेध करते हैं, जब इस बात की सहमति बनेगी और आयुक्त हमें बुलाएंगे हम उस दिन जाएंगे और इस बात को पूरा करेंगे। इसीलिए आज सभी पत्रकार एकजुट होकर यहाँ पर निषेध धरना देने के लिए बैठे हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।